जिस एक चीज से सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, तमाम सारे अमन पसंद तरक्की पसंद लोग जो एक एक एक, एक ऐसी चीज से त्रस्त हैं, वो है हमारी सरकार। सारे लोग सरकार से त्रस्त हैं। मैं इसे इस रूप में कहूंगा कि ये सरकार यहाँ के का जो बहुजन समाज है, जो 85% लोग हैं, उनको सबक सिखाने वाली सरकार है। ये सरकार उनको सबक सिखाने के लिए आई है। जब तुम्हारे सामने बाबा साहब थे, तुम्हारे सामने गौतम बुद्ध, तुम्हारे सामने रविदास और कबीर थे, और तुम्हारे सामने मानवर काशीराम थे, जिन्होंने ऐसे दर्शन दिए, ऐसे विचार दिए, ऐसा रास्ता दिखाया, तुमने इन सबको अपनाना जरूरी नहीं समझा। हिंदुत्व की उसी गुलामी में, उसी कीचड़ में, उसी बदबू में तुम जीते रहे, तो हम तुम्हें सबक सिखाने पर के सामने आ गए। पुष्यमित्र सुन तो मर गया, मैं मानता हूं वो जिंदा है, हमारे आपके बीच ही रहता है, हम सबके मोहल्लों में रहता है और बहुत सारे लोगों के दिल में भी रहता है। आज दिल्ली की गद्दी पे पुष्यमित्र सुन का ही एक प्रतिनिधि विराजमान है। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी विराजमान है। जब आप लड़ेंगे, जब आप आपस में लत्तम जुत्तम करेंगे, तो फायदा तो 15% लोगों को ही होगा। ये बात आपको आज तक समझ में नहीं है। हमारे एक सम्मानित साथी यहाँ बोल के गए कि उत्तर प्रदेश में खास पार्टी ने ओबीसी की बात नहीं की प्रमोशन में, रिजर्वेशन में, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। लेकिन मेरे मित्र, आपको ये नहीं बताना चाहिए था कि उनको तो नकार दिया, लेकिन जिसको स्वीकार किया वो आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर देंगे क्या? इस पर शर्म करनी चाहिए हमें। इस बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं।